press the bell icon for all updates. उनके पास इतना प्यार है देने के लिए कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप उनसे प्यार ना करें. एंड सबसे सुन बात है हमेशा से होती है कि हस्बैंड वाइफ में एक कम और एक ज़्यादा होता है, बट ये दोनों इतने प्यारे हैं कि आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कपल्स आई हैव एक्चुअली नोन. एक्चुअली दे आर ब्यूटीफुल. ओके, दे हैव कंप्लीटेड 7 इयर्स. तो आपको 7 और 9 कितना उन दोनों में चेंज लगता है आपको? मुझे नहीं चेंज लगता. इनफैक्ट वो ही डांटती थी आज के लिए भी मुझे फ़ोन करके, सेम थिंग यू मिस्ड अ वेडिंग. एंड आई रिमेंबर जिस दिन उनकी शादी थी, आई हैड माई शो इन लंडन एंड आई वॉज स्टेज, आई वॉज ऑन द स्टेज एंड आई वॉज टेलिंग सम लाइक टेलिंग द ऑडियंस, आई वॉज आई एम हियर बट आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स वेडिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू बी देयर. एंड शी जस्ट पिक्ड अप अ कॉल, शी इज लाइक अगर तू कल नहीं आया तो मेरी शादी मिस कर दी, मैंने कुछ नहीं बोला, बट अगर कल मिस करेगा तो बहुत मरूंगी. सो आई वाज लाइक नॉट पॉसिबल. ओके, एनी स्वीट मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर? सबसे स्वीट यही है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि समहाउ मैं शादी नहीं अटेंड कर पाया था बिकॉज ऑफ द शो. एंड जितनी बार भी हमारी बात होती थी वीडियो का, तो मैं इनको हमेशा बोलता था कि प्लीज़ लोग ज़बरदस्ती ऐसे फेक एडिट करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सो कैन यू प्लीज़ एडिट सम फुटेज, आई परफॉर्म सोलो क्रोमा पे, एंड प्लीज़ कैन यू पुट इट इन योर वीडियो एज इफ आई परफॉर्म फॉर योर वेडिंग. सो दे बी वेरी स्वीट यार, एवरीथिंग अबाउट द वे दे मेक यू, मतलब आप घर जाते हैं जिस तरह से आपसे बात करते हैं, जिस तरह से खिलाते हैं, कभी अगर आपकी बहुत दिन तक बात नहीं हो रही है कभी कंप्लेन नहीं, दिल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेर यू लेफ्ट. एंड उतना ही प्यार, आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट देम फॉर लाइक आवर्स, लाइक यू नो हाउ वंडरफुल दिस टू आर. ओके, एक्सेप्ट दिस, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहा है? डाई हार्ड फैन, फॉलोइंग एवरी एपिसोड एवरी डे लाइक नेक नेक. या हु इज योर फेवरेट देन? सी एज आई सेड कि दोस्त है देखो है शो में, आई लव हर, बट आई थिंक शी इज़ नॉट प्लेइंग एंड आई नो देबो'ज़ पोटेंशियल बिकॉज वी वर्क टुगेदर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट आई डोंट थिंक शी इज़ गिविंग दैट. आई रियली वॉन्ट एंड आई एम प्रेइंग दैट शी शुड बाउंस बैक एंड शी शुड स्टार्ट प्लेइंग हाउ शी वॉज प्लेइंग. अदर देन दैट आई थिंक आई लव शनाज़ इन द शो. ओके, लव वॉचिंग हर. अदर देन दैट, सिद्धार्थ और आसिम का गेम कैसे लग रहा है? यार ऑब्वियसली एज सिद्धार्थ आई थिंक आज ही के एपिसोड में उसने बोला, इमेजिन सी आज ही के एपिसोड में ही वो सेइंग कि आई न्यू दैट डे विल कम जहाँ पे हमें भी एक दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ेगा, एंड आई नो दैट वी आर वेरी क्लोज टुडे, बट टिल द टाइम जब तक हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा सकते तब तक नहीं जाते हैं. बट कहीं ना कहीं आई थिंक आसिम लॉस्ट द ट्रैक. मैंने बोला वो सिर्फ आसिम की गलती है, पर मुझे लगता है ज़्यादा गलती आसिम की है बिकॉज मुझे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी तारीफ मिलने लग गई, बहुत सारा वो हो गया, आई थिंक दैट गॉट इनटू हिज हेड. बट या आई फील्स बैड टू सी दीज टू फाइटिंग. देखो कि एक अगर स्ट्रेंथ यू नो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर बता दें जो अब उनके फैंस को नहीं पता है. यार देबो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज इफ़ यू टॉक अबाउट हर ओपिनियंस, बिकॉज मैंने सेट पे उसको देखा है, जो उसको गलत लगता था वो बोलती थी, चाहे हमारे डायरेक्टर रहे हों चाहे हर किसी एक्टर के बारे में रहा हो. शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो रश्मि की दोस्ती रही हो या किसी ना किसी वजह से ना वो उभर के नहीं आ पा रही है. जस्ट दैट आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग और शी इज़ लाइंग और शी इज़ ट्राइंग टू बी समवन एल्स, बट आई थिंक जितना खूबसूरत मैंने उनको काम करते हुए देखा है ना, उतना उनका व्यक्तित्व उतनी खूबसूरती से बाहर नहीं आ पा रहा है. लेकिन बीच में जो सिद की और देवो की मस्ती थी, बस फन, मतलब ऐसा होता था कि वो देखते देखते खुद के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, देन यू रियलाइज कि व्हाई आर यू स्माइलिंग, सो वेदर इट वाज रियल नॉट रियल बिसाइड द पॉइंट, बट इट वाज फन. ओके, लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत दिन से काम नहीं किया है, बट स्टिल आई एम रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ लव, सो थैंक यू फॉर दैट लव. बट एंड आई प्रॉमिस दैट विद द न्यू ईयर यू विल गेट टू सी समथिंग न्यू एंड वेरी वेरी एक्साइटेड, सो थैंक यू फॉर लव. थैंक यू सो मच.